इधर सीएम शिवराज के जन्मदिन पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पुरानी यादें ताजा की बंसल न्यूज से बातचीत के दौरान उन्होंने अड़तीस साल पुरानी दोस्ती के कई किस्से सुनाए। उन्होंने बताया कि सीएम हर वक्त नया करने और संघर्ष की बात करते थे हमने कभी नहीं सोचा था कि हम मंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे जन्मदिन पर हम देखें तो हम लोग तो जब से साथ में हैं लगभग पैंतीस चालीस वर्ष हो गए तो जैसे पहले थे वैसे ही आज में कोई परिवर्तन नहीं आया ना कार्य करने ना रहन सहन में ना कार्य करने की पद्धति में ना हेल्थ में ना बातचीत में ना स्वभाव में ना कोई अभिमान और जैसे सादगी से पहले रहते थे जैसे सादगी से आज भी रहते हैं और जो सरलता पहले थी वो सरलता आज भी है मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कभी ऐसा नहीं लगा कि ये मुख्यमंत्री बन गए जैसे पहले मिलते थे वैसे आज भी जब वो पीछे गाड़ी पे बैठा करते थे तो कहते थे कि मुख्यमंत्री बन जाऊंगा नहीं कभी हम लोगों ने ये ना हम लोग कभी विधायक बनेंगे सांसद बनेंगे ये कल्पना ही नहीं थी जब सागर में प्रवास पे आते थे तो मेरे पास उस समय बेस पर स्कूटर थी तो उस पर मैं चलाता था वो पीछे बैठते थे और हम लोग जिले में दौरा करते थे तो कभी कल्पना ही नहीं थी कि कभी सरकार भी बनेगी कभी ऐसे भी होगा और कई बार तो वो बस से आते थे तो हम लोग राज्य परिवहन की बस से आते थे तो हम लोग जाके बस फिर रिसीव करते थे फिर प्रवास करते थे विधायक सांसद की भी कल्पना नहीं थी मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है तो सिर्फ ये था कि पार्टी के लिए काम करना है पार्टी को खड़ी करना है और संघर्ष करना है यही था कि संघर्ष ही करना है लाठी खाना है जेल जाना है संघर्ष करना है दौरे करना है यही चलता था कभी कल्पना नहीं थी मतलब संघर्ष यहाँ तक लेके आ गया सिर्फ संघर्ष लेके आया संघर्ष से ही आया शिवराज जी के साथ हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी है भूपेन जी भी उसमें से एक है जब बेसपा के साथ घुमा करते थे स्कूटर पर और कह रहे हैं कि सोचा भी नहीं था कि ना इन्होंने सोचा था कि मैं मंत्री बन जाऊंगा ना उन्होंने सोचा होगा सीएम लेकिन बात एक ही वो जरूर कहते थे कि चलते रहो बढ़ते रहो और संघर्ष करते रहो और संघर्ष की प्रकाष्ठा लांगी आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आशीष के साथ मनोज सिनी हज